उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में आने वाले ग्राम भोलनावास में ग्रामीणों ने शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की शिकायत की है। उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत भोमलवास में शासकीय जमीन जो गायों के चरणों की है और शासकीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर अधिकारियों को बताया गया कि शासकीय जमीन में अतिक्रमण को हटाया जाए और शासकीय जमीन गोचर की मुक्त की जाए। क्षेत्र के पटवारी ने रिपोर्ट कंप्लीट कर रिपोर्ट तहसील मुख्यालय जिला अधिकारियों को भेज दी है, पर अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया है और शासकीय जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं पदस्थ हैं और बताइए। वर्तमान में मैं पटवारी हल्का नंबर 82 ग्राम भोमलवास में पदस्थ। सर, वहाँ से कुछ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी गोचर की जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से रिपोर्ट कंप्लीट की गई और किस प्रकार से जो है अधिकारियों को सौंप दी गई? पिछले वर्ष भी उस भूमि सर्वे नंबर का की अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर मेरे द्वारा पेश की गई थी और इस वर्ष भी पेश कर दी गई है। करीब कितनी जमीन होगी साहब वहाँ पर और किस प्रकार से क्या है? लगभग 8 हेक्टेयर भूमि है सरकारी, 40 बीघा लगभग। किन लोगों ने साहब कब्जा किया हुआ है? आपके निरीक्षण के बाद कैसा लग रहा है, किन लोगों ने किया हुआ है कब्जा? कुछ लोगों ने मतलब फसल बो रखी है और कुछ लोगों ने ईंट के भट्टे वहाँ पे लगा रखे हैं। उन सभी लोगों का अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। बताइए भोमलवास में करीब कितनी जमीन होगी शासकीय और गौचरणों की, किस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है? जी, ग्राम भोमलवास में गोचर जमीन पर अवैध रूप से ईंट भट्टा लगाया गया है। जो जमीन करीब कितने भट्टे होंगे? करीब यहाँ तो 4 भट्टे हैं जी, जो अपनी निजी जगह में चल रहे हैं। अच्छा। एक भट्टा जो अवैध रूप से चल रहा है वो गोचर जमीन सरकारी जमीन पर लगा हुआ है। अच्छा। और जिनने भट्टा लगाया गया है उनके पर्सनल जमीन 35 बीघा होने के बावजूद भी उनने गोचर जमीन पर भट्टा लगाकर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामवासियों को अपने पशु को चराने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत हमने CM हेल्पलाइन व तहसीलदार साहब ATM साहब को भी की गई है। सभी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को बहुत अपने पशु चराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सभी से अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारियों से यही निवेदन है कि जो सरकारी जमीन वो चर पे है उसे मुक्त कराकर ग्रामवासियों की मदद की जाए, पशुओं की मदद की जाए। आज 5 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर उन्होंने अवैध ईंट भट्टा लगा रखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।